All set. क्या बात है यार, तेरे पास टेलीस्कोप भी है, यकीन ही नहीं हो रहा। पता है सोलर सिस्टम की लव स्टोरी सुनने के बाद भी लग ही नहीं रहा कि इतना रफ एंड टफ कैप्टन तारों का भी शौक रखता है। कैसे भाई? जब हम फील्ड में थे ना, तो सारा दिन ड्यूटी और मेहनत करने के बाद रात को सिर्फ शांति और ये खुला आसमान। शहरों में चकाचौंध है, शोर शराबा है, दोस्त हैं, और टाइम पास करना तो 10 चीजें, लेकिन वहां वहां सिर्फ खुला आसमान और हम। वही मेरी तारों से दोस्ती हो गई, और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। काफी कुछ सीखा मैंने प्लैनेट्स के बारे में। टू गुड मैन, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। पता है तुम्हें देखती थी तो हमेशा ऐसे लगता था तुम बहुत हैप्पी और चीयरफुल हो, पर तुम्हारा ये साइड देखकर आई एम रियली इंप्रेस्ड। और कौन से टैलेंट्स छुपा के रखे हैं? हाँ, धीरे धीरे सब पता चलेगा। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले कौन प्लेनेट देखेगा? मैं। कौन सा प्लेनेट? वीनस। मैं लिब्रा हूँ और वीनस मेरा रूलिंग प्लेनेट है। सो तन, रेडी? Beautiful, yeah. What a view. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? It's just so beautiful. मैंने इससे beautiful चीज आज तक कोई नहीं देखी। तुम हर चीज को इतना special कैसे बना देते हो श्रवण? So much. It's amazing, it's beautiful, यार। तो वकील साहब, आप कौन सा प्लैनेट देखेंगे? अब सुमन, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? वही देखते हैं। मार्स, फाइटर प्लैनेट है, वॉरियर, ना थकता है ना हार मानता है। क्या इत्तेफाक है, मैं एरीज हूँ, मेरा भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है। Really? Yeah. मार्स, इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता है उसकी खूबी सिर्फ वॉरियर होना नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पैशन, गुस्सा और सेपरेशन। हम सबके प्लैनेट्स तो हो गए, अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो, रियली? क्यों? हमें भी दिखाओ यार, ऐसा क्या खास बात है? प्लूटो की खासियत है कि वो सबसे बहुत दूर है। अच्छा? इतना दूर है कि सोलर सिस्टम में तो है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए विक्रम आज नहीं देख पाएंगे। खैर, प्लूटो तो अब प्लैनेट भी नहीं रहा, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था, एक छोटा सा क्यूट सा प्लैनेट। फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लैनेट रहने के लायक ही नहीं है, निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। पर ये सब प्लूटो को कहां पता, वो तो आज भी खुद को प्लैनेट ही समझता होगा ना। कितनी अजीब बात है ना, पहले तो लोग अचानक करीब आते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह निकाल के बाहर फेंक देते हैं अपनी जिंदगी से।
इसीलिए तो प्लूटो मेरा फेवरेट प्लैनेट है। अच्छा। कभी कभी तो प्लूटो के लिए बहुत बुरा लगता है। मार्स वॉरियर है, कभी हारता नहीं है। लेकिन प्लूटो, प्लूटो तो बिना कुछ किए ही सब कुछ हार गया ना। It was a great party, but I'm really very sleepy and tired now, so I just can't wait anymore. Haan yaar, ab log kafi thak gaye hain to. But it was really nice today. Let's just keep planning such night. Isko ek wonder nahi rakhte, okay? Main bhi wahi bolne wala tha ki aisi cheez ab jab hum milte hain na, hafte mein ek aadh baar to kar lena chahiye. Bilkul yaar. All right, chalo guys, then I'll see you. Bye. Bye. Take care. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye. चलिए विक्रम। हाँ, तू भी थक गया होगा तो क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? समझ नहीं आ रहा। ओके, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। हाँ, क्योंकि सुमन ने कहा था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए स्पेशल, सो आई होप यू डोंट माइंड। हाँ नहीं नहीं, अब सॉरी, अब डोंट वरी, मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। एक वक्त जब प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था, फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लैनेट रहने के लायक ही नहीं है, निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। सो पार्टी बहुत अच्छी थी ना? थैंक यू सुमन, तुमने मुझे इंसिस्ट किया तो मैं आ पाया। वैसे तुम कह रही थी कुछ सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए, देखो अगर कोई और होता ना तो मैं केस छोड़ के नहीं आता। आई नो, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम आए, और तुम्हारे आने से कई गलत फहमियां जैसे अपने आप ही दूर हो गई। किसकी गलत फहमियां? मेरी और किसकी? सॉरी सुमन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे मेरा मतलब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम वाकई में मेरी केयर करते हो। आज मैंने तुम्हें एक बार बोला आने के लिए और तुम अपना काम छोड़ के आ गए। सो ये मेरा टेस्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आई गेस अनजाने में शायद जो कुछ भी चल रहा था मेरे माइंड में, उसमें तुम पास हो गए। ओके, सो मैं पास हो गया। अब आई मीन सुमन, वो अब तुम्हारे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे ना, तो अब इस रिलेशनशिप में अगला स्टेप, देखो सुमन, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपने सोचने का पूरा वक्त मिले। हाँ विक्रम, और तुमने हमेशा मुझे वक्त दिया। I feel अब हमें इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सॉरी सॉरी,
I'm sorry. वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के चक्कर. But trust me, सुमन, तुमने आज जो कुछ भी कहा ना, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ. I'm really happy. It means a lot to me. And thank you so much, Suman. ये रात ना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात है अभी तक की. Take care, huh? Good night. Good night. कल मिलते हैं. Yeah. See you. See you. Bye. बीना दीदी ने बनाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए ले आए. पर हमें तो आपके हाथ का पसंद है जी. मूड को क्या हुआ है? सुनिए, आप समझाते क्यों नहीं सुमन दीदी को? हमेशा ही ऐसे गुस्से में. और सरन भैया कौन समझाएगा? देखा है हमने कैसी बात करते हैं. बड़े लोगों की बातें हमें नहीं पता है जी. बस लगता है कि श्रवण भैया अभी तक सुमन दीदी से बहुत प्यार करते हैं. और एक आपकी दीदी है, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता जी. फर्क नहीं पड़ता? जिंदगी में क्या क्या गुजरा है उनके साथ, कोई देखा? किसी ने देखा? किसी ने बताया है? और तुम बात करती हो भैया प्यार करते हैं. अपने पापा के साथ तो वो निकल लिए और यहाँ वो हमारी दीदी रही थी. फालतू बात करती हो. हम तो फालतू ही बात बोलते हैं जी. ये अपनी दीदी को ही खिलाइएगा, हमें नहीं करनी आपसे. अरे सुनो तो, हम ऐसे ही बोल बात तो क्या है यार. अभी तक श्रवण भैया क्यों नहीं आए? क्या श्रवण ने कल मेरे और विक्रम के बीच में जो हुआ वो देखा होगा? मैं जल्दी से उन्हें बुलाकर ला. वीर, तू ठंडा हो रहा है, पहले दूध पी लो. मैं जाकर देखती हूँ. कहिए. अच्छा ये वो क्या है ना, सोफी मेरे कमरे में आई थी तो उसे कमरा थोड़ा डल सा लगा, मतलब पुराना टाइप, तो उसने पेंटिंग लगा के कमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दी. अच्छा है ना? इससे कमरे की ब्राइटनेस नहीं बढ़ी बल्कि दीवार खराब हो गई. और क्या ये सब, इतनी ब्राइटनेस में तुम इस कमरे की गंदगी दिखाई नहीं दे रही? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा. ठीक है फिर, तो आपने मुझे जैसा अपना कमरा दिया था मैं बिल्कुल वैसा ही वापस देकर जाऊं. अपना एक एक निशान मिटा दूंगा यहां से. जैसे कि ये निशान, ये सब. तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी. तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि यहां कोई रहता ही नहीं था. परफेक्ट. वीर नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है. हाँ मैं आता हूँ. श्रवण. कल रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या, अच्छे से बताओ ना. ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. कल रात को जब विक्रम और मैं प्राइवेट बात कर रहे थे तो क्या सुना तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम ये टॉपिक अवॉइड करना चाहोगे. वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं होता ना तो अवॉइड ही करता, पर अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सच कहूं.
एकदम बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं। क्या वो है? मैं एक्चुअली देख रहा था कि, खैर छोड़ो, जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मतलब मान लो कि हमारे बीच में जो भी था, अगर हम वो रिश्ता कभी आगे लेकर बढ़ते तो कैसा होता? फिर मैंने कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें पता, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? आंखों देखी बोल रहा हूं। वो एक्चुअली पता क्या, वो कल ना मैंने उस बेचारे को देखा, तुम्हें किस करने की नाकाम कोशिश करते हो, और तुम तो बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला, हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.